नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां एक बार फिर से लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे के करीब दिखेंगे, वहीं पे ही मलिष्का करने जा रही है लक्ष्मी के साथ में बहुत बड़ी बेइज्जती। जी हां, क्योंकि लक्ष्मी के साथ में ऋषि इस समय दिल से साथ तो हैं लेकिन वो दिखा नहीं रहे। लेकिन इधर नीलम और मलिष्का जो कि किसी भी तरीका से लक्ष्मी को टॉर्चर करने में पीछे नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह आपने देखा होगा कि लक्ष्मी की बार बार बेइज्जती करती हुई नजर आएंगी मलिष्का और नीलम। वहीं पे ही लक्ष्मी बोल चुकी है ऋषि से कि ऋषि हो कुछ भी जाए लेकिन मैं तुमसे वाकई में मोहब्बत करती हूँ। ये हकीकत है दोस्तों कि लक्ष्मी आज भी ऋषि को बहुत चाहती हैं और इसीलिए वो घर के अंदर आई हैं। उनका डिवोर्स लेने का कोई प्लान नहीं था लेकिन कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है 3 महीने के लिए, उसके लिए जो कि मलिष्का सबसे ज़्यादा तड़पती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मलिष्का को लग रहा था कि किसी भी तरीका से लक्ष्मी इस घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि मलिष्का का प्लान था डिवोर्स का। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से एक बार फिर से मलिष्का के आगे ही बल्कि 3 महीने के लिए लक्ष्मी ऋषि के घर पर आ चुकी है, जो कि मलिष्का इसमें कुछ नहीं कर सकती। खाली जो भी कर सकती है यानी कि लक्ष्मी की इंसल्ट कर सकती है। आने वाले एपिसोड काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा जब ऋषि और मलिष्का एक ही रूम के अंदर दोनों रात गुजारते हुए नजर आते हैं। साथ ही दोस्तों मलिष्का बार बार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीका से ऋषि को लक्ष्मी से दूर किया जाए, और लक्ष्मी बार बार ये कोशिश कर रही है कि जो बात है, जो सच्चाई है, वो ऋषि को पता लगनी चाहिए। वहीं पर देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी के प्रति अब ऋषि के फादर का प्यार फिर से जागेगा, क्योंकि उनका प्यार थोड़ा सा डगमगाया था कि लक्ष्मी ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से ऋषि के फादर को पूरी की पूरी बात की सच्चाई पता चल जाएगी कि आखिर लक्ष्मी की मजबूरी क्या थी और लक्ष्मी ने आखिर क्यों सिग्नेचर किया था। दोस्तों आने वाला एपिसोड वाकई में अत्यंत दिलचस्प देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।